एक दिन चीता अपने गाड़ी से जंगल में घूमने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में नागिन का बच्चा खेल रहा होता है। चीता उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा लेता है। नागिन का बच्चा वहीं तड़प कर मर जाता है। तभी नागिन अपने बेटे को खोजते हुए उसके पास आती है। अपने बेटे को मरा देख बहुत दुखी होती है। वह सांपों के देवता नागराज के पास जाती है और सारी बात बताती है। नागराज अपनी शक्तियों से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बेटे को चीता ने मारा है। नागिन चीता के पास जाती है। उस वक्त चीता अपने गुफा में सो रहा होता है। नागिन उसे काट लेती है और वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है।